उस घोड़े वाले हादसे के बाद से मेरी बेटी मुझसे काफी अरसा दूर रही। मैं चुप रहा। अली हिकमत! मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी आंखों से सलमान के साथ देखा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वो जालिम अली हिकमत कहाँ है? ये तुम क्या कर रही हो? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। एक मिनट, आखिर बात क्या है जैनब? मैंने पूछा वो जालिम अली हिकमत कहाँ पर है? यहाँ हूँ मैं। चुप रहना। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? तुम हट जाओ। प्लीज बेटा, तुम यहाँ रुक जाओ। प्लीज, मैंने कहा रुक जाओ। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खड़ी हो, क्या कह रही थी तुम? बाबा, यही रुको तुम। चलो बाबा, प्लीज मुझे छोड़ दो। वास्ते चलो मेरे साथ। बाबा बात तो करने दे। ज़ैनब, अपने बाबा की तरफ देखो तुम। अपने बाबा को घर लेकर जाओ। जाओ ज़ैनब, चलो बेटा, आ जाओ। चलो ज़ैनब, चलो बेटा, चलो प्लीज प्लीज चलो ज़ैनब, चलते हैं यहाँ से। चलो बेटा बानो, जाओ मेरा बैग लेकर आओ। अरे नहीं प्लीज, अंदर आए, खाना खा के जाएंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। देखिए, मेरा मतलब अली एक बात थोड़ा परेशान है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सब खाने के लिए आ जाए। सुल्तान बेटा, रुक जाओ, परेशान मत हो, तुम तो अपने अंकल को जानते ही हो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। आ जाओ बेटा, अंदर चलो। क्या हक है उन्हें? किसने दिया उन्हें ये हक? उन्हें लगता है मैं खामोश रहूंगी? ज़ैनब अब बस भी करो, देखो एक बेरहम और बेईमान इंसान है। ज़ैनब समझते क्या है, आखिर किस हक से उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है? बाबा संभाल के। अरे आप ठीक तो है ना अंकल? मैं ठीक हूँ। आए बाबा, आइए। चलिए बाबा अंदर चले, आराम से। रुको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपने मेहमानों को देखो। तुम्हें क्या हो गया है ज़ैनब? मैं ज़ुल्फ़िकार अंकल की हेल्प करने यहाँ आया हूँ। समझ गई? अब आप आराम से लेट जाइए। शुक्र है खुदा का। ये नहीं उड़ाओ बाबा को। अरे अंकल, आप उठकर इसी तरह चले आए? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है और रेस्ट का कहा है। ये अली हिकमत की वजह से उठ के गए थे। बाबा? तुम्हारे बाबा, उन्होंने इस हालत में भी बाबा को पास बुलाया था। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? ये बोलने के लिए कि मुझे यहाँ से वापस भेज दे, क्योंकि वो मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते। क्या तुम जानते हो कि बाबा को हार्ट अटैक हुआ था? हार्ट अटैक? मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम्हारे बाबा को पता था, और ये सब जानने के बावजूद भी उन्होंने पहाड़ों पर भेज दिया था। आखिर ये किस तरह का रवैया है? कौन है वो लड़की? ये वही है जिसने घोड़ा चुराया था। वो लड़की एक चोर भी है और बदतमीज भी। दरअसल वो ज़ुल्फ़िकार की बेटी है। मुझे समझ नहीं आ रही वो लड़की अब तक यहाँ क्यों है, आखिर वो चाहती क्या है? एक नौकर की बेटी होकर उसमें इतनी हिम्मत, हैरत है। हमें भी ये बात समझ नहीं आई, लगता है वो पागल हो गई है। वैसे मेरा ख्याल है जो उसने किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। हाँ, मेरा मतलब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, और जितना मैं अली हिकमत को जानती हूँ वो उसे उसकी सजा जरूर देंगे। हर चीज अपने वक्त पर होती है, समझी? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ये सब चीजें यहाँ से उठा लो और जल्दी से मेहमानों को चाय ला कर दो। जी अभी लाई। सलमान अभी तक वापस नहीं आया। परेशान मत हो, वो आता ही होगा। मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी समरीन आंटी, बल्कि उसे जरूर हैरत होगी ये सब कुछ देखकर।
फातिमा बहन, इन लोगों को चाय की पड़ी है और यहाँ मेरा टेंशन से दम निकला जा रहा है। गुलजार, अभी सब वैसे ही बहुत परेशान हैं। तुम अपने काम से काम रखो। चुप नहीं रह सकती मैं। अगर वो जुल्फिकार अपनी बेटी को यहाँ से भगा देगा तो ही हमारी इस मुसीबत से जान छूटेगी। क्या लगता है, क्या अली हिकमत उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? हाँ, जान ले लेगा उसकी। गुलजार, ये उठाओ और लेकर जाओ। अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? भागो यहाँ से। तौबा तौबा, कितना बोलती है ये औरत। ज़ैनब, क्यों ना मैं तुम्हारे बाबा को दोबारा हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाऊं? हॉस्पिटल यहाँ नजदीक ही है। हाँ, लेकिन बाबा नहीं जाना चाहते। अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है, मैं चलता। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा, आपने हार्ट अटैक का किसी को क्यों नहीं बताया? वो तो शुक्र है सुल्तान ने बता दिया मुझे। मैं उदास नहीं करना चाहता था तुम्हें। तुम यहाँ से दूर थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ। अब आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ से साथ जाएंगे। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था बेटा कि तुम यहाँ से और कहीं नहीं जाओगे। वो एक अलग बात है कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, इसलिए नहीं जा रही कि अली हिकमत ने कहा। तुम कहाँ जाओगी ज़ैनब? एक लड़की के लिए ये आसान नहीं। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं आपके लिए काम करूँगी। तुम अभी बच्ची हो ज़ैनब, जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है यहाँ पे? क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके गुलाम बन गए हैं? क्यों आप हर बार उसकी हर बात मान लेते हैं? मैं इतने सालों बाद भी उस बात को भुलाना चाहता हूँ। वो जितनी चाहे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, मगर मैं यहीं रहूँगा। मिसेज रिजवान, ये लीजिए ना प्लीज, बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं खा चुकी हूँ। लो, सलमान भी आ गया। सलमान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं माजरत चाहता हूँ। ये सब कुछ उस बदतमीज लड़की ने क्यों किया, कुछ बताया क्या तुम्हें? जी हाँ बताया। कुछ दिन पहले उसके बाबा को हार्ट अटैक हुआ था। क्या, जुल्फिकार को हार्ट अटैक आया? लेकिन कब? तो क्या इस वजह से उसने ये सब कुछ किया? नहीं बानो, हार्ट अटैक के बावजूद उसके बाबा को पहाड़ पर शहद लेने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन हमें तो ये बात मालूम ही नहीं थी। अगर हम जानते उसे पहाड़ों पर शहद लेने क्यों भेजते? किसी को तो इस बात का इल्म था। इस मौसम को खत्म कर दो। हाँ, मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। और बानो बेटी आज रात हमें बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली है ना? और हम सोच रहे थे कि एक दूसरे को अंगूठी पहना दो तुम दोनों। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा? अम्मी जान, मेरा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं। क्या हुआ सलमान? बानो, मुझे नहीं मालूम कि ये बात यहाँ टेबल तक कैसे आ पहुंची है। मेरे ख्याल में हम इस टॉपिक पर बाद में बात करें। समझ गई? या खुदाया, हम लोग कितने खुश थे। अब हमें इजाजत दीजिए, आई थिंक हमें चलना चाहिए। अरे मिसेज रिजवान, थोड़ा रुकिए ना। कुछ देर रुकिए, हम आपको अपने बाग के ताज़ा फल खिलाते हैं। हमने आज रात काफी कुछ खा लिया है तो अब चलना चाहिए हमें। बानो, मिसेज रिजवान, अच्छा नहीं लग रहा आप इतनी जल्दी जा रही हैं। हम दोबारा जरूर आएंगे मिस संभाल। अपना ख्याल रखिएगा मिसेज रिजवान, उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, गुड नाइट। बाबा।
बाबा। देखियो तो जरा इसे, आखिर क्या हो गया इस लड़के को? कसम से मुझे भी नहीं पता। एक गिलास ठंडा पानी डालो, ठीक हो जाएगा ये। फातिमा बहन, मैं लिख कर दे देती हूँ, सलमान कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करेगा। या खुदाया, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हद है, कहाँ से आती हैं ये बातें तुम्हारे दिमाग में? मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है। क्या वाकई? मुझे अच्छी तरह पता है, ये सब जैनब के कारनामे हैं। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर उसने सलमान के दिमाग पे कोई जादू चलाया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गई हो, जैनब ऐसा क्यों करेगी? वो कितनी बड़ी सांप है आपको अभी मालूम नहीं है। 2 दिन पहाड़ पे थी, वहीं कुछ हुआ है दोनों में, समझी? ऐसे ही कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे देता। तौबा तौबा, कुछ भी बोलती रहती हो तुम। सलमान ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और जैनब वहाँ से डिप्लोमा करके आई है, और अब वो अपने बाबा के साथ रहना चाहती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं अपना मुंह बंद करूं? आप माने या फिर ना माने, उस लड़की की नजर सलमान की जायदाद पे है। गुलजार, खुदा का वास्ता, देखो वो लड़की डिप्लोमा करके यहाँ आई है अपने बाप की खातिर, लेकिन तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। तो आपको भी ऐसा लगता है? वो इसलिए यहाँ आई है कि हमारी जिंदगियों में दखल अंदाजी कर सके। आप समझने की कोशिश करें आपा, मैं गलत नहीं कह रही, बिल्कुल गलत नहीं कह रही। आप देख रही हैं ना ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है वो हम सबको एक तराजू में तोल रही है। देख लीजिएगा आप, वो हमें मार डालेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी वो लड़की। अब बस करो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती गुलजार? हाँ, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, फिर भी तुम यहीं रुकी रहती हो, जाती कहीं नहीं हो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ नहीं। हाँ सुल्तान, तुम अभी तक सोए नहीं मेरे बच्चे? मुझे अकेला छोड़ दीजिए अम्मी जान, आपको समझ में क्यों नहीं आती? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्या सुन लेंगे? मैं कह रहा हूँ कौन और क्या सुन लेंगे? क्या हम अली हिकमत के आगे कुछ बोल नहीं सकते? हाँ, उन्होंने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, जैनब का गुस्सा भी उन्होंने मुझ पर उतार दिया। बेटा, वो तुम्हारे मामू है, क्या हो गया अगर कुछ कह दिया तो? बस करें अम्मी, कोई मामू नहीं है वो मेरे, ये सब आपकी वजह से होता है अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, लगता है जैसे हम कैद में हैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। वाकई ये हमारा घर है? ये हमारा नहीं, हमारे मामू का घर है, हम यहाँ रहने के उनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम उसके दाहिने हाथ हो, क्या तुम्हारे बगैर वो कोई काम करता है? नहीं करते, ये काम कौन करता अगर हम नहीं करते अम्मी? सबर करो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों सबर करूं अम्मी? नहीं होता सबर, एक निवाला भी नहीं खा सकता मैं अपनी मर्जी से, ये सब दिखावा है अम्मी। दुनिया सकून से रह रही है और हम यहाँ नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है? अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, मेरे बच्चे, सुल्तान, मैं अपना वकार जानता हूँ अम्मी, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बस मेरे बच्चे, बस सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान होते हो? सबको देख लिया है मैंने अम्मी, सबको देख लिया है सुल्तान। बदतमीजी है ये, सरासर बदतमीजी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की जैनब पर गुस्सा करूं या अपने बेटे सलमान पर। बाद में बात करेंगे। क्या करूं मैं, बताएं मुझे, क्या मुझे किसी की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए? सलमान और बानो के रिश्ते का क्या होगा? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं? बानो इतनी अच्छी लड़की है, सलमान है कि उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, उसकी माँ के सामने जलील कर दिया कि मैं तैयार नहीं। बस करो, बहुत हो गया। नहीं, हमें कुछ करना होगा। जब से जैनब यहाँ आई है सलमान का रवैया चेंज हो गया है। खुदा का वास्ता, होश कीजिए इससे पहले आपका बेटा आपसे मुखालिफ हो जाए। बस वो लड़की कल से इस फार्म पे नजर ना आए। अब मैं तुमसे सीखूंगा कि कब और क्या करना है। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तो क्या मतलब था? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप उस लड़की को उसके किए की सजा जरूर देंगे, लेकिन सलमान और बानो के बारे में भी सोचिए। मिसेज रिजवान अब आपकी बिजनेस पार्टनर भी हैं, इसलिए मैंने ये बात की है। कुछ नहीं होगा, इसका असर हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। अब तुम मुझे सुकून से सोने दो। ठीक है। मुझे नींद नहीं है, मैं जा रही हूँ।
आपा, क्या आपने सलमान को देखा है? मुझे नहीं मालूम, मैंने काफी देर से उसको नहीं देखा। यही होगा। ये सब कुछ क्या है? ये गिलास किसका है? सुल्तान का। ओह अच्छा, एक चीज खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू कर दी। मेरी बात सुनो सबरीन, अगर नुक्स निकालने हैं अपने बेटे में निकालो, मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप जानती हैं कि मैं परेशान हूँ। आज का दिन बहुत खराब था। सोचा था कि दोनों की मंगनी हो जाएगी। हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि अब मिसेज रिजवान अपनी बेटी का हाथ देंगी। ऐसा मत कहें प्लीज। ये रिश्ता अब खत्म ही समझो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आगे बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसी बात नहीं है, मेरा नाम समरीन है। मैं इस मसले को किसी भी तरह हल करूंगी और करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बानो, मेरी चाय कहाँ है? I'm sorry, mom, मैं... इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे एक काम कहा था और तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकी। मॉम प्लीज़, प्लीज़ क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? अब बात करने को बचा क्या है? ये बात खत्म हो चुकी है। मैं सलमान के बारे में अब कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये मेरी गलती है। ये फैसला मैंने खुद किया था। शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी। सलमान से पूछे बगैर मैंने ये किया। मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। और अब तुमने इसका नतीजा भी देख लिया है बानो। सलमान ने वाज़े तौर पे कहा है कि उसका शादी का कोई इरादा नहीं। उसकी माँ ने तो इनकार नहीं किया। क्या कहना चाहती हो? उन्होंने कहा जब से वो सिडनी गया था सिर्फ तुम्हारी बातें करता था। तुम कितनी मासूम हो मेरी बच्ची। तुम कोई खिलौना नहीं हो बानो, तुम एक अच्छे खानदान से हो। समझो इस बात को। मॉम, मुझे सलमान से मोहब्बत है, प्यार करती हूँ मैं उससे। समझती क्यों नहीं है आप? बानो, क्या अब भी तुम्हें इस बात पर फख्र है? मुझे फख्र क्यों ना हो मॉम, यकीनन आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपने कभी प्यार ही नहीं किया। वैसे भी हर चीज जिंदगी में आपके लिए किसी इंटरव्यू की तरह ही होती है। लेकिन याद रखिए मॉम, मैं आपकी तरह नहीं। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। क्या हुआ, डर गई? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मुझे लगा तुम अब भी नाराज हो। ये जो कुछ भी हुआ इसका मैं तुम्हारे बाप से बदला जरूर लूंगी। तुम सही हो, तुम यहाँ रहती थी। जो सिला मुझे यहाँ से मिला वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अगर मेरे बाबा यहाँ नहीं होते तो मैं एक लम्हा यहाँ नहीं रुकती। हम जल्द चले जाएंगे। कहाँ? जहाँ भी हो सकेगा मैं यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। काश मैं तुम्हें जाने से रोक सकता। तुम्हारे लिए मेरे बाबा से माफी मांगना मुश्किल होगा, लेकिन तुम अपने बाबा से कितने मुख्तलिफ हो। लेकिन बेटा तुम उन्हीं का हो। सही कहा, वो तो तुम उन्हीं के बेटे ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। कब? क्या कब? कब जा रही हो तुम? जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक तो मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है जनाब। मैं चलती हूँ। सलमान, मैंने तुम्हारी शादी रुकवा दी। तो क्या तुम इस पे माफी मांगोगी? मैं माफी क्यों मांगूंगी, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए ये एक स्पेशल रात थी। तुम्हारी मंगेतर की मॉम भी यहीं थी। नहीं, और वो मेरी मंगेतर नहीं है। क्या वाकई? मुझे नहीं मालूम था। नहीं, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। वो तो ऐसा ही कहती है। क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या कहती है?
तुम इस बारे में परेशान मत हो। मुझे क्या परेशानी होगी, मैं क्या करूं? ठीक है जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। ये ठीक हो गया? शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं जा रहा हूं मामू, एक शिपमेंट है उसे भेजना बहुत जरूरी है आज। ठीक है, वो स्टॉक ने तुम्हें दोबारा बुलाया है क्या? उसने कहा था कि वो पीर तक सब संभाल लेगा, तो वो मुझे क्यों बुलाएगा? हमें उसकी हर हरकत पे नजर रखनी होगी। ठीक है मामू, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, अब तुम जाओ, रमेश को मेरे पास भेज देना। जी ठीक है। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, किसी की नजर न लगे, माशाल्लाह। लगता है इसे जल चश्मा लग जाएगा। वैसे सलमान कहाँ है समरीन? वो सुबह ही हॉर्स राइडिंग के लिए चला गया था। अच्छा है, कम से कम उसका ध्यान तो बटेगा। आपने मुझे बुलाया हिकमत साहब। रमेश जाओ एक ट्रक लेकर आओ, उनका सामान मेरे घर से निकालो और कहीं और ले जाकर रख दो। आप जुल्फिकार की बात कर रहे हैं? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? मुझे नहीं पता था उनका सामान कहीं और रखना है। सामान को सिर्फ रखना नहीं है रमीश, उनमें से कोई भी अब इस घर में नहीं रहेगा। मैं उन्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता, समझ गए? जी मेरा रुकने समझ। अब जाके मुझे सुकून मिला। गुलजार की जगह किसी और को देखना होगा। तो क्या हुआ, देख लेंगे। बाबा कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, हटो मेरे सामने से बेवकूफ लड़की। आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गई हैं? वो गोदाम गए हैं या फिर कहीं और? या अल्लाह, वो बीमार हैं। कहा ना मैं नहीं जानती, समझ नहीं आती तुम्हें? या अल्लाह मुझे सबर अता कर। या अल्लाह मुझे भी सबर अता कर, सब कुछ जानती हूँ मैं, सब कुछ। मेरे बाबा को देखा कहीं? मैंने नहीं देखा। या अल्लाह, अरे या अल्लाह, डरा दिया तुमने, ऐसे कौन करता है? चॉकलेट दीजिए ना। कोई चॉकलेट नहीं, खत्म हो गई। आप वहाँ देखिए ना, रखी होगी। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और कहाँ नहीं? प्लीज दे दीजिए ना। चलो जाओ, मुझे काम करने दो अभी। फातिमा खाला, गुड मॉर्निंग। बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा को ढूंढ रही हूँ, आपने देखा है? नहीं तो कहीं फिर से अली हिकमत ने तो कहीं नहीं भेज दिया उन्हें? नहीं बेटा, वो लोग तो नाश्ता कर रहे हैं। ज़ैनब, तुम घर पर जाकर इंतजार करो, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है फातिमा खाला, मुझे सिर्फ अपने बाबा की फिक्र है, वो बीमार है, कहीं वो फिर से ना गिर गए हो। हाँ, ऐसा मत कहो, वो आ जाएंगे, परेशान मत हो तुम, ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा। चलो बेटा चलो, तुम घर पर इंतजार करो, मैं जाकर पूछती हूँ, ठीक है?
चलो जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। अरे रमीज। वालेकुम अस्सलाम रमीज। अगर तुम अपने भाई से मिलने यहाँ आए हो तो मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। हम यहाँ किसी और काम से। चलो तुम लोग शुरू हो जाओ। क्या हुआ है रमीज? तुम्हें अपना काम करने दीजिए। मैं ऐसे किसी को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। मुझे बताओ तो सही, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ ये सब अली अकमत साहब के कहने पर, उन्होंने कहा है करने के लिए। क्या कहा है अली अकमत ने? अरे मुझे बताओ तो सही, क्या कहा है अली अकमत ने? आ जाओ अंदर, इस कमरे का सारा सामान निकालो। रमीश तुम ये क्या कर रहे हो? खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करो। बाजार में मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हट जाओ, छोड़ दो, मेरा कालीन छोड़ो। खुदा के वास्ते मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मत करो ऐसा। छोड़ दो मेरा सामान, मत निकालो यहाँ से। मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगी। छोड़ दो इसे, मेरा सामान छोड़ो। खुदा के वास्ते ये तुम लोग क्या कर रहे हो? या अल्लाह मत करो ऐसा। खुदा का वास्ता है तुम्हें, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा का वास्ता है रमीज, मैं भीख मांगती हूँ, मेरे हाल पर रहम करो। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? खुदा के लिए ऐसा नहीं करो। मैं और जुल्फिकार, अरे ये क्या कर रहा है? मेरा सोफा बिस्तर तो छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना सामान नहीं ले जाने दूंगी। ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो रमीज। तुम जानते हो कि जुल्फिकार बीमार है। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। तुमसे भीख मांगती हूँ रमीज, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अली हिकमत से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? अगर उसे पता चला कि जैनब हुरिया की बेटी है तो कभी भी उसे अपनी नवासी समझकर प्यार नहीं करेगा, मार देगा उसे। वास्ते देखो, मैं जुल्फिकार को फोन कर रही हूँ। क्या मुसीबत है? लेकिन रमीज तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ ना, हम बैठ के बात करते हैं। रमीज जरा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा इन्होंने हमारा सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दिया। अली अकमत साहब ने हमें निकाल दिया, इस फार्म से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन रखेगा हमें? परेशान मत हो गुलजारापा, क्या हो रहा है ये रमीज? अली हिकमत साहब का हुक्म था सलमान साहब, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है फिर, जान ले लो मेरी, जाके दफना दो मुझे। मैं क्या करूँगा जरा? फौरन अपने बंदों से कहो कि जो चीज जिस जगह से जहाँ जैसे उठाई है वहीं वापस रख दे। सलमान साहब, रमीज जो कहा है वो करो। लेकिन अली हिकमत साहब से मैं बात करता हूँ, चलो सारा सामान वापस रख। जी ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये आप क्या कर रही हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है गुलजार, जुल्फिकार अंकल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, वो सुबह से कहीं गए हुए हैं। लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ नहीं थे, अगर होते तो पता नहीं क्या होता। और ज़ैनब? वो गई है अपने बाबा को तलाश करने। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, ये लोग आपका सारा सामान वापस रख रहे हैं। जो चीज जहाँ से उठाई थी वापस नहीं रखेंगे। मैं इनसे कह रही थी कि मेरा बिस्तर ना उठाओ, लेकिन इन जालिमों ने मेरा बिस्तर उठा के फेंक दिया और मुझे भी उठा कर फेंक दिया। अच्छा बस रोए मत, कोई आपको यहाँ से नहीं निकालेगा, आपका सारा सामान वापस आ रहा है। आराम से। मुझे अब ये सब बोझ सा लगता है, बूढ़ा जो हो गया, बीमार रहता हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं ज़ैनब को हर बात बता दूंगा। लेकिन खुदा खूब जानता है कि आगे हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
ज़ैनब न जाने क्या कहेगी जब वो उस लेटर को पढ़ेगी। वो लेटर, कहीं वो लेटर गिर तो नहीं गया? बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? बेटा, बेटा मैं ठीक हूँ। बाबा आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे बताएं, मैं आपको खिलाऊं। मैं साथ नहीं आया बेटे। बाबा प्लीज जोर जोर से खांसी, आप खांसी जोर जोर से। या खुदा सिग्नल्स नहीं आ रहे, क्या मुसीबत है? सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? बाबा, बाबा जान, बाबा, हेल्प मी। बाबा बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ, अभी आ जाएगी। ज़ैनब, हेलो ज़ैनब, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो तुम? क्या ठीक है ज़ैनब, परेशान मत हो। ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, मैं आ रहा हूं। अगर सलमान वहां नहीं आता तो यहां तुम अकेले रह जाती, सारे काम तुम्हें करने पड़ते। या मेरे खुदाया, समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा था ना, उन्होंने कहा था ना कि वो हम सबको यहाँ से निकाल देंगे। उनको सारी रात नींद नहीं आई होगी और सुबह होते ही उन्होंने बड़ा सा ट्रक मंगवा लिया। यकीन करें फातिमा आपा, मैं बहुत डर गई थी, ऊपर से मैं अकेली थी, जुल्फिकार भी नहीं था। यकीन करें मैं तो मर ही गई थी। यकीन करो, तुम जैसे आई मुझे ऐसा लगा कि जुल्फिकार भाई को कुछ हो गया है। ज़ैनब भी नहीं आई क्या? जहन्नुम में जाए वो, फोन बंद है मोहतरमा का। या अल्लाह। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। पता नहीं मुझे ये सही है या गलत। क्या? सलमान हमें बचाने आया और वो चले गए। बेटे का फैसला बाप के फैसले से ऊपर है फातिमा आपा। जाहिर है सलमान इस घर का बेटा है भाई, वो कभी भी सलमान को उदास नहीं करना चाहेंगे। तब क्या होगा जब सलमान चला जाएगा? कसम से फातिमा आपा, अली इकमत साहब उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। वो हमें हमारे घर समेत जलाकर हम सबको कोयला बना देंगे फातिमा आपा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ज़ैनब कह रही थी वो चली जाएगी यहाँ से। वो नहीं जाने वाली यहाँ से, ये डाइन इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं जानती हूँ उसे अच्छे से, ऊँट की हड्डियाँ लेकर आऊंगी और जगह जगह घर में रखूंगी ताकि ये परेशानियाँ खत्म हो। अच्छा तो तुम ऊँट काटोगी? कभी एक मुर्गा भी काटा है तुमने क्या? सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। देख रही हूँ आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। होना भी चाहिए भाई, ज़ैनब चली गई, मतलब सारी टेंशन खत्म हो गई। क्या वो लोग चले गए? मैंने ट्रक तो देखा था, जुल्फिकार खुदा हाफिज़ किए बगैर नहीं जा सकता। अब वो यहाँ किस मुँह से आएगा? खुदा का शुक्र है कि वो हमें छोड़कर चले गए। मैं ये सारे फूल मिसेज रिजवान को भिजवाऊंगी, अच्छा लगेगा उन्हें। तुम भेजो फिर देखो कि क्या होता है। कुछ कहा आपने? हाँ अच्छी बात है, ले जाओ, फ्रेश फ्लावर्स हैं, अच्छा लगेगा उन्हें। अली हिकमत के कॉफी पियेंगे आप? नहीं पीनी मुझे। बुलाया जनाब। क्या हुआ, निकाल दिया उन्हें? मालिक। बोलो क्या बात है? हम तो पूरा घर खाली कर रहे थे, सलमान साहब आ गए। क्या? उन्होंने कहा मैं अपने बाबा से बात कर लूंगा, इनको यहाँ से मत निकालो, इसलिए हमने सामान नहीं निकाला। क्या कहा तुमने? सामान निकालने में इतनी देर क्यों की बताओ मुझे? तुमने मेरे हुक्म के आगे मेरे बेटे का हुक्म माना। लेकिन मालिक, सलमान साहब ने कहा कि दबाओगे। सुनिए, आपका अपना बेटा आपके फैसले के खिलाफ जा रहा है, मतलब वो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह इस्तेमाल होता रहा तो आगे पता नहीं क्या होगा। बच्चा नहीं है वो, क्यों उसे कोई भी इस्तेमाल करता रहे। या खुदाया, मेरे बेटे के बारे में बात करने से पहले आप अपने बेटे को देखें। क्या हो गया मेरे बेटे को ऐसा? बस करें, बात करना ही फजूल है, आप जानती हैं अपने बेटे को अच्छी तरह। बस करो।
ये घर है, कोई अस्तबल नहीं है। ठीक है ना, बताएं मुझे। सलमान जल्दी चलो। हाँ बस चल रहे हैं। तुम ठीक तो हो जुल्फिकार? क्या अब तुम हमें इस तरह डराया करोगे? खुदा का शुक्र है कुछ नहीं हुआ फातिमा। नजर है, बहुत नजर है। जैनब ने डिप्लोमा कर लिया, तुम आराम से यहाँ रह रहे थे। नजर कैसे नहीं लगेगी भाई? नजर वजर कुछ नहीं है फातिमा आपा। हम सब जानते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है गुलजार आपा, ये अपना ख्याल नहीं रखते। लेकिन आज इन्होंने डॉक्टर से वादा किया है ये अपना पूरा ख्याल रखेंगे। ये मुझे लग रहा है ये वाकई ऐसा है। घर को चिन चिन सा लग रहा है, क्या हुआ ऐसा यहाँ पे? मैं भी यही पूछने वाला था। अरे कुछ भी नहीं हुआ जुल्फिकार, गुलजार को तो तुम जानते ही हो, सब कुछ सफाई के चक्कर में इधर उधर कर दिया। गुलजार, क्या तुमने मेरी जैकेट देखी है कहीं? इस हालत में कहाँ जाना है तुम्हें? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, कहीं धो तो नहीं दी वो? मैंने तो नहीं धोई। हाँ मेरे हाथ है, मशीन थोड़ी है, हद होती है। अब क्या तुम्हारी जैकेट भी मैं ही धोंगी? और वैसे भी आज तो ये अंकल की दवाइयां हैं, जैनब सब समझा देगी कि कैसे खिलानी है। इन्हें आप थोड़ा सा सूप भी बनाकर दीजिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये आदमी इंतहाई कोई जालिम इंसान है। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, सलमान ने सब संभाल लिया था। सलमान ने? हाँ हाँ, सलमान ने उन लोगों से कह के सारा फर्नीचर वापस रखवा दिया था। देखो बेटी, तुम्हारे बाबा को ये पता ना चले, वो बिला वजह परेशान हो जाएगा। मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। सलमान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं क्या करता बाबा, आप तो जानते हैं मुझे, मैंने वही किया जो सही लगा। इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? सलमान मेरे बेटे, मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी उम्र तक अभी पहुंचे नहीं। ताकत, ये सब कुछ एक ताकत है। आप कामयाब हैं या नहीं बात ये नहीं होती, संभलने का तरीका आना चाहिए ताकि आप कहीं फंस ना जाए। लोगों को संभालना आसान नहीं है बेटा, दिल के बजाय मैं दिमाग की सुनता हूँ और फिर मैं एक फैसला करता हूँ बेटा। अपनी समझ से दरिया पार करते वक्त अपना घोड़ा नहीं बदलते, अगर आप अपना घोड़ा बदलते हैं तो आप गिर जाते हैं और ये आसान नहीं होता। आप मेरे बाबा हैं और मैं हमेशा आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। मैंने आप ही की तरह इस बारे में सोचा, एक बीमार के बारे में जिसे आप रोड पे फेंक रहे हैं, क्या आली हिकमत पर ये फैसला जचता है? तुम बहुत रहम दिल इंसान हो बेटा, और ये रहम दिली तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी ये रहम दिली सिर्फ और सिर्फ उस लड़की जैनब के लिए है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। आखिर आपको उस लड़की से शिकायत क्या है बाबा, क्यों कर रहे हैं उसके साथ आप ऐसा? तुमने सलमान को कॉल की थी क्या? आई थिंक
इस शादी के मौजू को अब हमें खत्म कर देना चाहिए मिस समरीन।